स्वागत है दोस्तों आपका अंडमान टूर पैकेज के एक और नए शानदार वीडियो पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रांची से अंडमान के लिए एक और नए टूर पैकेज के ऑप्शंस लेकर। तो इस पैकेज की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को भारत के किसी भी शहर से देख रहे हो और फ्यूचर में कभी भी अंडमान घूमने की सोच रहे हो तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर भारत के हर हिस्से से अंडमान तक के लिए बेस्ट टूर पैकेज के ऑप्शंस लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी टूर पैकेज की इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी अंडमान जाने के लिए कई सारे टूर पैकेज की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। तो हो सके तो उन सभी वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे टूर पैकेज के बारे में। तो इस पैकेज का नाम है एक्सोटिक अंडमान एयर पैकेज एक्स रांची, और यह पैकेज भी IRCTC की तरफ से ही लाया गया पैकेज है, जिसमें आप इस पैकेज को अपने किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। और इस पैकेज की तारीख 24 मार्च 2023 को रखी गई है, जिसमें आप इस अंडमान ट्रिप के दौरान 3 रातें पोर्टब्लेयर पर, 1 रात हैवलॉक और 1 रात नील आइलैंड पर बिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पूरे डिटेल्स के साथ यह जान लेते हैं कि इस पैकेज में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इस पैकेज में आपको रांची से कोलकाता आने और जाने के लिए 3rd AC कोच ट्रेन की या फिर बस की फैसिलिटी मिलेगी, और साथ ही कोलकाता से अंडमान आने और जाने के लिए इकोनॉमिक क्लास की एयर टिकट की फैसिलिटी मिलेगी। अगर बात करें एकोमोडेशन के बारे में, तो आपके पूरे अंडमान ट्रिप के दौरान सभी जगहों पर आपको एयर कंडीशन रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पोर्टब्लेयर पर आपको TSG ग्रैंड और हैवलॉक आइलैंड में TSG ब्लू और नील आइलैंड में TSG ऑरा रिजॉर्ट जैसे एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इस पैकेज में साइट सीनिंग और ट्रांसफर के लिए शेयरिंग बेसिस पर एयर कंडीशन व्हीकल की फैसिलिटी मिलेगी, और साथ ही सभी होटलों और रिजॉर्टों में 5 दिन के ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इस पैकेज में इंक्लूड रहेंगे। और साथ ही इस पैकेज में फेरी टिकट्स, एंट्री टिकट्स और ट्रैवल इंश्योरेंस और GST जैसे सभी तरह के टैक्सेस इस पैकेज में इंक्लूड रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं इस पूरे पैकेज के डेट नर के बारे में, जिसमें आपके पहले दिन की शुरुआत रांची रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से होगी, जहाँ से आप कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। और हावड़ा स्टेशन या फिर बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप IRCTC के यात्री निवास पर रुक सकते हैं, या फिर आप किसी भी होटल पर ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। और दूसरे दिन सुबह कोलकाता एयरपोर्ट के लिए आप रवाना हो जाएंगे, जहां से आपकी फ्लाइट पोर्टब्लेयर के लिए उड़ान भरेगी, और पोर्टब्लेयर पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर होटल पहुँचा दिया जाएगा। होटल पहुँच कर कुछ देर आराम और लंच के बाद दोपहर में आपको कार्विस्को बीच पर विजिट कराया जाएगा, और उसके बाद आपको अंडमान के ऐतिहासिक स्थल सेलुलर जेल पर विजिट कराया जाएगा, और उसी शाम आप इस जेल पर आयोजित लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकते हैं। और तीसरे दिन आपको रॉस आइलैंड विजिट कराया जाएगा, जहां आप ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए चर्च, बेकरी, जापानीज बंकर, चीफ कमिश्नर हाउस जैसे कई इमारतों के खंडरों को देख सकते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको नॉर्वे आइलैंड विजिट कराया जाएगा, जहां आप कई सारे समुद्री कॉरल्स और मछलियों को देख पाएंगे, और उसी शाम आप पोर्टब्लेयर सिटी को एक्सप्लोर करने के साथ यहां कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। और चौथे दिन पैक ब्रेकफास्ट के साथ होटल से चेकआउट कर आप हैवलॉक की यात्रा क्रूज शिप के जरिए करेंगे। हैवलॉक पहुंचने के बाद होटल और लंच के बाद दोपहर में आपको विजिट कराया जाएगा एशिया के बेस्ट बीचों में से एक राधानगर बीच पर, और साथ ही कालापत्थर बीच पर। और पाँचवें दिन ब्रेकफास्ट के बाद होटल से चेकआउट कर आप ऑप्शनल टूर के रूप में एलिफेंटा बीच पर भी विजिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी अगली डेस्टिनेशन नील आइलैंड होगी। नील आइलैंड पहुंचने के बाद होटल और कुछ देर आराम के बाद आपको नील आइलैंड के फेमस नेचुरल बीच और लक्ष्मणपुर बीच पर विजिट कराया जाएगा, जहां आप खूबसूरत सनसेट व्यू को देख पाएंगे। और छठे दिन ब्रेकफास्ट के बाद आपको विजिट कराया जाएगा भरतपुर बीच पर, जहाँ पर आप स्विमिंग, ग्लास बॉटम राइड या फिर स्नॉर्कलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज को ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही उसी दिन दोपहर में आपकी वापसी नील आइलैंड से पोर्टब्लेयर के लिए हो जाएगी, और सातवें दिन आपके फ्लाइट के अनुसार आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा, और आपकी वापसी पोर्टब्लेयर से कोलकाता के लिए हो जाएगी।
कोलकाता पहुंचने के बाद आप हावड़ा रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे और आठवें दिन आप रांची पहुंच जाएंगे और इस तरह से आपकी अंडमान टूर पैकेज पूरी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस पैकेज को किस तरह से बुक किया जाए। तो इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप सीधे IRCTC की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको इस पैकेज से जुड़ी पूरी डिटेल्स और सारी टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़कर आप इस पैकेज को बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह टूर पैकेज आपको पसंद आई हो। अंडमान के ऐसे ही टूर पैकेज की जानकारी के लिए अंडमान टूर पैकेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम आप सभी लोगों की अच्छी यात्रा की कामना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जब भी आप आए अंडमान, पूरा घूमिए अंडमान। जय हिंद, जय भारत।